गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे. ओके, तो चलिए बच्चों, आज की इस हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है. तो आज की इस क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं? तो आज की इस क्लास में हम पर्यायवाची शब्दों को सीखने जा रहे हैं. ऑलरेडी यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों से जुड़े पार्ट वन में हम डेफिनेशन और कुछ पर्यायवाची शब्दों को यहाँ पर सीख चुके हैं और समझ चुके हैं, है ना बच्चों? तो ऐसे ही कुछ और भी शब्दों को मैं यहाँ पर आज देने जा रही हूँ, जिसे आपको लिख लेना होगा और उसे पढ़ना होगा. ओके, तो चलिए बच्चों, कुछ और पर्यायवाची शब्दों को आज हम यहाँ पर देखेंगे. तो बताइए बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है? बताइए, पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है? समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है. एक जैसे या समान अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है बच्चों? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है. यहाँ पर नाम अलग है लेकिन मीनिंग्स क्या होते हैं? सभी के सेम होते हैं. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आंख, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था आंख. आंख क्या है बच्चों? शब्द है. आंख को हम क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं. आंख को नेत्र कहते हैं, नयन कहते हैं और चक्षु भी कहा जाता है. और क्या कहा जाता है बच्चों? चक्षु. देखिए यहाँ पर हमें देखने के लिए ये शब्द अलग अलग लगते हैं, है ना बच्चों? शब्द है, शब्द जो है वे देखने के लिए अलग अलग लगते हैं लेकिन इनका अर्थ जो होता है सभी का सेम होता है. मीनिंग जो होते हैं सभी के सेम होते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं. तो पर्यायवाची शब्द का एक और नाम क्या है बच्चों? पर्यायवाची शब्द को और भी एक नाम से पुकारते हैं. क्या कहते हैं उसे? जिसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? समानार्थी शब्द कहते हैं. ओके, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है. तो आपको ध्यान देना होगा कि आज की इस क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं. ओके, पर्यायवाची शब्द देने के एक जैसे या समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है. तो लास्ट क्लास में हमने पर्यायवाची शब्द की डेफिनेशन यानी कि व्याख्या को जान चुके हैं और कुछ शब्दों के बारे में भी अभ्यास कर चुके हैं. तो चलिए बच्चों, कुछ और उदाहरण देकर आज मैं आपको फिर से एक बार पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं समझा दूंगी. ओके, तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है और जो भी यहाँ पर दिया जाएगा उसे क्या करना है बच्चों? लिख कर लेना है. तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा था बच्चों? कमल, आंख, पानी, इसके बारे में हम सीख चुके थे. तो चलिए फिर और कुछ और शब्दों के द्वारा हम इन पर्यायवाची शब्दों को अभ्यास करेंगे. तो चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पर ये पार्ट दूसरा है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जैसे कि जंगल. क्या है बच्चों? जंगल. जंगल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं. जंगल को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? फॉरेस्ट कहते हैं. लेकिन यहाँ पर जंगल को और भी कुछ नामों से पहचान सकते हैं. जैसे कि हिंदी में यहाँ पर जंगल को क्या कहते हैं बच्चों? वन कहते हैं. जंगल को वन कहा जाता है, जंगल को कानन कहा जाता है. अगर आपको यहाँ पर जंगल के पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है बच्चों? इन शब्दों को लिखना है. यानी कि जंगल अर्थ सेम है
लेकिन शब्द जो है वहां पर लिखने का अलग अलग होता है, मीनिंग सभी के सेम है। समान अर्थ देने वाले शब्दों को या एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इस डेफिनेशन को क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना है और पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जंगल को वन कहा जाता है, कानन कहा जाता है, गहन कहा जाता है, गहन कहा जाता है, अरण्य कहा जाता है। ओके, अरण्य भी कहा जाता है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, जंगल को वन, कानन, गहन, अरण्य भी कहा जाता है। यहाँ पर सभी के मीनिंग्स क्या है बच्चों, सेम है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बगीचा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, बगीचा। बगीचा यानी कि अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, बगीचा यानी कि गार्डन। गार्डन आपने देखा होगा, जिसे हम पार्क भी कहते हैं, गार्डन देखा है ना बच्चों, तो हिंदी में इसे बगीचा कहा जाता है। तो बगीचे को और भी कुछ नामों से हम इसे पुकारते हैं या बुलाते हैं, जैसे कि बगीचा, उसी को हम क्या कहते हैं, उपवन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उपवन कहते हैं, वाटिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटिका कहते हैं, और बाग भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है बच्चों, बाग कहा जाता है, यानी कि बगीचे को हम उपवन, वाटिका और बाग भी कहते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फूल। नेक्स्ट बच्चों फूल, फूल यानी कि फ्लावर। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं बच्चों, फ्लावर। फूल यानी कि फ्लावर। फूल को और भी कुछ नामों से हम जानते हैं, जैसे कि फूल को हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पुष्प, पुष्प कहते हैं, और कुसुम कहते हैं। और क्या कहते हैं बच्चों, कुसुम कहते हैं, और सुमन भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है बच्चों, सुमन भी कहा जाता है। यानी कि नाम एक है, अर्थ सेम है, लेकिन नाम जो है अलग अलग है। सभी के अर्थ एक ही है बच्चों। जैसे कि यहाँ पर सुमन को क्या कहते हैं, कुसुम, पुष्प, फूल कहा जाता है। अगर सिर्फ फूल ही नहीं, फूल को है यहाँ पुष्प, कुसुम, कानन नहीं, यहाँ पर अगर आपको सुमन दिया जाए तो आपको क्या करना है, बाकी जो शब्द हैं उसे आपको लिखना है। अगर आपको पुष्प दिया जाए तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कुसुम, सुमन और फूल करके लिखना है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। तो नेक्स्ट चलिए बादल, क्लाउड्स। अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, बादल को क्लाउड्स कहते हैं। तो बादल को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि हम बादल को क्या कहते हैं, मेघ कहते हैं। बादल को हम क्या कहते हैं बच्चों, मेघ। बादल को मेघ कहा जाता है। बादल को जलधर, जलधर यानी कि बादल से ही क्या होता है बच्चों, बारिश जो होती है ना, तो उसी की वजह से जलधर भी कहा जाता है, और बादल को घन भी कहा जाता है। बादल को घन भी कहा जाता है, यानी कि बादल को में जलधर और घन कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक जैसे अर्थ देने वाले या समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। सभी के अर्थ सेम हैं, एक जैसे हैं, लेकिन शब्द जो हैं अलग अलग होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर बादल को मेघ कहा जाता है, जलधर कहा जाता है, और घन भी कहा जाता है।
तो चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नौकर। नौकर यानी क्या है? सर्वेंट, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? सर्वेंट कहते हैं। ओके, तो नौकर को और भी नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं नौकर को? नौकर को सेवक कहा जाता है। नौकर को सेवक कहा जाता है। नौकर को अनुचर कहा जाता है। नौकर को अनुचर कहा जाता है और नौकर को फिर से दास भी कहा जाता है। नौकर को क्या कहा जाता है? नौकर को सेवक कहा जाता है, अनुचर कहा जाता है और दास भी कहा जाता है। यानी कि दास को नौकर कहते हैं, अनुचर को भी नौकर कहते हैं और सेवक को भी नौकर कहा जाता है। नौकर यानी के सर्वेंट, अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? सर्वेंट कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पर्वत, माउंटेन। पर्वत यानी के माउंटेन, जिसे हम माउंटेन कहते हैं। पर्वत को पहाड़ कहा जाता है। पर्वत को क्या कहा जाता है बच्चों? पहाड़। ओके, तो पर्वत को यहाँ पर पहाड़ कहा जाता है। पर्वत को पहाड़ कहा जाता है, शैल कहा जाता है और गिरी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है बच्चों? गिरी कहा जाता है। इनके पर्वत को पहाड़ कहते हैं, शैल कहते हैं और गिरी भी कहा जाता है। इनके गिरी को ही पर्वत कहते हैं, शैल को ही पर्वत कहा जाता है और पहाड़ को ही पर्वत कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर माता। क्या है बच्चों? माता। माता यानी के मदर, जिसे हम मदर कहते हैं। माँ, माँ जननी है ना बच्चों? तो यहाँ पर माता को हम क्या कहते हैं? माँ कहते हैं, जननी कहते हैं, है ना बच्चों? माता को हम माँ कहते हैं, माता को हम जननी कहते हैं और माता को हम अम्बा भी कहते हैं। अम्बा भी कहा जाता है। दुर्गा माता, अम्बा है ना बच्चों? तो माँ को या माता को माँ, जननी, जन्म देने वाली अम्बा कहा जाता है। माता को माँ, जननी और अम्बा कहा जाता है। जैसे कि अम्बा को ही माता, जननी, माँ कहते हैं। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? तो नेक्स्ट देखिए और एक शब्द यहाँ पर आपको बताती हूँ। आग। आग यानी के फायर। आग यानी के फायर, अंग्रेजी में हम इसे आग को फायर कहते हैं। आग यानी के जैसे हम यहाँ पर पावक, पावक कहते हैं और यहाँ पर अनल कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर अग्नि भी कहा जाता है। अग्नि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कहा जाता है बच्चों? आपको पावक, अनल और अग्नि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर समान अर्थ देने वाले या एक जैसे अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो समझ में आ गए ना बच्चों? तो चलिए कुछ और शब्द मैं आपको यहाँ पर होमवर्क में दूंगी, उसके पर्यायवाची शब्द क्या करने हैं आपको स्वयं लिखने हैं। ओके, तो लिख लीजिए बच्चों यहाँ पर। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, संसार, संसार, शरीर, संसार, शरीर, इनके जो भी शब्द यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ उसके पर्यायवाची शब्द क्या करने हैं आपको स्वयं लिखने हैं। शरीर, मनुष्य, मनुष्य, रात, हवा,
नेक्स्ट कपड़ा, नेक्स्ट ईश्वर, ओके ईश्वर, तालाब, तालाब, हाथी, हाथी, घर, ओके घर, स्त्री, स्त्री, आकाश, आकाश, ओके धरती, पेड़, ओके पेड़, नेक्स्ट किताब, ओके तो इन शब्दों को जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं उसके पर्यायवाची शब्द क्या करने हैं बच्चों, आपको स्वयं लिखने हैं, यानी कि ये आपके लिए क्या है, ग्रह कार्य है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है उसी तरह इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द क्या करने हैं आपको लिखने हैं, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। देखिए यहाँ पर संसार, शरीर, मनुष्य, रात, हवा, कपड़ा, ईश्वर, तालाब, हाथी, घर, स्त्री, आकाश, धरती, पेड़ और किताब, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। ओके टू या थ्री शब्द, यानी कि दो से तीन शब्द, सिर्फ एक नहीं, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है बिल्कुल उसी तरह तीन चार शब्द पर्यायवाची शब्द आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। ओके तो चलिए बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ गया होगा और जो भी मैंने यहाँ पर आपको ग्रह कार्य दिया है उसे करके मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ओके तो आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।